हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CSS क्यों यूज़ किया जाता है HTML में, CSS का क्या यूज़ है वेब डिज़ाइनिंग में, उसका क्या रोल है, और हमने कुछ बेसिक थिंग्स देखे थे CSS के बारे में। और हम CSS के टाइप्स देख रहे थे, उसमें हमने एक टाइप देख लिया, वो था एक्सटर्नल CSS। और अब हम देखेंगे बाकी के दो CSS के टाइप्स, विच इज़ इंटरनल CSS एंड इनलाइन CSS। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इंटरनल CSS क्या होता है। अब इंटरनल CSS में लेट्स सी, इंटरनल CSS हम डालते हैं वो HTML पेज में ही डालते हैं। इट्स अ यूनिक स्टाइल, वो सिर्फ उसी के लिए ही डिफाइन होता है। वो किस तरह से डिफाइन होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मल्टीपल पेजेस हैं, लेट्स सी दिस, ये एक इंडेक्स पेज है, index.html। हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट पेज है या फिर अबाउट अस पेज है, मल्टीपल पेजेस है। लेकिन अगर आपको इसी पेज के लिए कोई स्टाइल शीट अप्लाई करनी है, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के लिए नहीं डालनी है, तो आपको इंटरनल CSS आप यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ करना होता है आपको हेड टैग के अंदर, और इसके लिए आपको यूज़ करना है स्टाइल टैग। यहाँ पे आ गया स्टाइल टैग, स्टाइल, और इसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कॉपी इट। अभी एक्सटर्नल CSS हमारा इसको, इस पेज को कनेक्टेड नहीं है, हम अभी इंटरनल CSS के थ्रू उसको स्टाइल शीट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सी इट वर्क्स, इसको बैकग्राउंड कलर भी आ गया, इसका जो हमने कलर दिया था वो भी आ गया, यहाँ पे ये सेंटर में भी आ गया। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इंटरनल CSS को प्रोवाइड कर सकते हो। अब जो तीसरा टाइप है वो है इनलाइन CSS, तो इसको हम हटा देते हैं, डिलीटेड। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अब इंटरनल CSS को किस तरह से यूज़ करते हैं, उसका एक बेसिक ट्रिक है आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेज है, इसको आपको इंस्पेक्ट करना है। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, जो लोग वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, उनको ये पता है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं होगा। तो लेट्स सी, ये H1 है, तो मुझे इसको स्टाइल करना है। तो आप यहाँ पे एलिमेंट डॉट स्टाइल में आप जो भी उसको देना चाहते हो CSS कलर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर मैंने चूज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर ये चूज़ कर दिया। अब इसको मेरे को फॉन्ट साइज़ भी देनी है, फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल, बहुत छोटी है। आप यहाँ से इस तरह से अपवर्ड एरो से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड एरो से कम कर सकते हैं। सो लेट्स, ये हो गया। अब इसको मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, ये ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या हो गया, आपने जो आपको चाहिए वो आपने उसको सिलेक्ट कर दिया और आपको ये ठीक लग रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, इस पर डबल क्लिक करोगे, तो ये पूरा सिलेक्ट होता है जो भी स्टाइल आपने लिया है। तो इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस तरीके से
स्टाइल से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक इसको कॉपी करना है। और आपका जो पेज है जहाँ पे आपको इनलाइन सीएसएस देना है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो ये H1 के लिए हमने इनलाइन सीएसएस दिया था, हमने ये चूज़ किया था। इसको सिंपली आपको इस तरह से अरेंज करना होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि आप वेबसाइट पे देख के, आपको अगर अच्छा लग रहा है आप वेबसाइट पे देखिए कोई भी स्टाइल शीट चूज़ करो, आपको सही लग रहा है तो आप उसको कॉपी करके आपके इनलाइन सीएसएस में मतलब डायरेक्टली एचटीएमएल टैग्स को अप्लाई कर सकते हो विदाउट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सीएसएस। डायरेक्टली हमने एच वन टैग को यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। और रिफ्रेश करके देखते हैं ये अप्लाई हुआ, यस ये अप्लाई हुआ। अभी ये पी को हमने कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ को कोई भी स्टाइल शीट नहीं दी है। इसको भी अगर आपको स्टाइल शीट देनी है तो आपको सिंपली यहीं पे जाना है। आप यहाँ पे उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर पे आ गया। फॉर एग्जांपल कलर चाहिए आपको, कलर कलर ले लिया, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ओके, बॉर्डर, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर ऐड कर सकते हो। ने अभी बॉर्डर इसको नहीं दिया इसलिए बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जो भी आपको इसमें से नहीं चाहिए उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फॉन्ट साइज निकाल दिया, कलर निकाल दिया, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। अभी आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, सिंपली कॉपी इट एंड आपके पी टैग पे उसको इंसर्ट करना है और इसको सिंपली रीअरेंज करना है। इसको हमने नहीं दिया है इसलिए वो कमेंट में आ गया। रीअरेंज, सेव एंड नाउ सी इट, सी ये भी अप्लाई हो गया। तो ये है इनलाइन सीएसएस। तो हमने इंटरनल सीएसएस देखा, एक्सटर्नल सीएसएस देखा एंड इनलाइन सीएसएस देखा। लेकिन मोस्टली आपको जब भी ज़रूरत पड़े तभी आप इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस यूज़ करें, लेकिन मोस्टली एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपको एक ही स्टाइल चेंज करके आप मल्टीपल पेजेस को अप्लाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और सीएसएस के रूल्स और किस तरह से सीएसएस यूज़ करना है वो देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।